नमस्कार दोस्तों, भूपेन सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों 31 मई हो चुकी है और 31 मई की मॉर्निंग की ही हम आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं कि शिक्षक भर्ती की चयन सूची आज होगी जारी। भर्ती में मान्य त्रुटि पर निर्णय लेने का निर्देश और अध्यापक भर्ती में गलत उत्तरों की आपत्तियों पर जवाब तलब और प्रमाण पत्रों के लिए अब करें ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों इन सभी न्यूज़ की डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आपके सामने लेकर ही आते हैं। और दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की तरफ कि शिक्षक भर्ती की आज चयन सूची जारी होगी जिसमें आपको आवंटित जिला मिलेगा। शिक्षक भर्ती चयन सूची आज की परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की चयन सूची रविवार गत रात या सोमवार सुबह जारी हो जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 17 मई को जारी टाइम टेबल के अनुसार 31 मई को जिलेवार आवंटन सूची होनी थी, लेकिन बाद में मोबाइल नंबर संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिन बढ़ाने के लिए थोड़ी देर हो सकी। NRC की टीम आवेदन करने वालों के लिए 1,36,621 अभ्यर्थी का पहले ही चेकअप कर लेगी, फिर जिलेवार सूची तैयार की जाएगी। और देखिए काउंसलिंग में सामाजिक दूरी का होना तय है कि देखिए बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं उन्होंने सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि काउंसलिंग में सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। और जो काउंसलिंग सेंटर है वो भी पूर्णतः सैनिटाइजर युक्त होंगे। और आप सभी को बता चले कि भर्ती में मान्य त्रुटि पर निर्णय लेने का निर्देश, याची की समस्या पर 3 सप्ताह में निर्देश करने का आदेश, अध्यापक भर्ती में गलत उत्तरों की आपत्तियों पर जवाब तलब की इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेसिक शिक्षा परिषद की 19,000 शिक्षक भर्ती में परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को माननीय भूल सुधारने का विचार निर्णय लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने याची के मामले में आदेश की प्रति मिलने के 3 सप्ताह के अंदर विचार नियमन अनुसार निर्णय लिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने राकेश कुमार की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। एडवोकेट सीमांत के मुताबिक राकेश कुमार 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद ऑनलाइन आवेदन में स्नातक वाले कॉलम में पूर्ण नाक 1800 बजाय 11,800 लिख दिया था। इस बाद में इस त्रुटि पता चलने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सुधारने का आग्रह किया, लेकिन बाद में कोई निर्णय न निकल सका। और आप सभी को बता चलें कि अध्यापक भर्ती में गलत उत्तरों पर आपत्तियों पर जवाब तलब कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक प्रश्नों के गलत उत्तरों के मामले में याचिकाओं की आपत्तियों पर राज्य सरकार से जवाब तलब मांगा है, जिसकी सुनवाई 6 जुलाई को तय है। और यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया रोहित शुक्ला की तरफ से दिया गया। और आप सभी को बता चलें कि ये तो था मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो लखनऊ में चल रहा था, ये इसकी सुनवाई 1 जून को होगी। लखनऊ में जो होगी इसकी 1 जून को इसकी सुनवाई इसकी होगी, जिस पर उम्मीद जताई जा रही है कि 3 से 4 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। और दोस्तों आप सभी को बता चलें कि प्रमाण पत्रों के लिए वो ऑनलाइन करें आवेदन। देखिए CCS यूनिवर्सिटी की का ये आदेश है कि जो अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्र नहीं ले चुके हैं और काउंसलिंग हेतु उन्हें ज़रूरत है, वे अपने प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन जमा होने के बाद में वे अपने नेट के द्वारा अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है लॉकडाउन के कारण हो रहा है। और आप सभी को बता चलें ये शेड्यूल है कि 30 मई तक बागपत के अभ्यर्थियों के लिए है, 31 मई और 1 जून अवकाश रहेगा, 2 जून मेरठ के अभ्यर्थी और 3 जून हापुड़ के अभ्यर्थी और 4 जून सुपर लॉकडाउन के कारण अवकाश रहेगा और 5 जून को मुजफ्फरनगर के अभ्यर्थी अपने आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये थी न्यूज़ जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आपके सामने बस से लेकर आते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद वॉचिंग माई वीडियो। आपका भूपेन सिंह।